उसके अंदर का फेथ का लेवल, जैसे यीशु मसीह के जो विश्वास का लेवल था वो बराबर था। मैंने कहा दानियल कितनी बार जाता था? अगर वो जाता था जब हालात उसके सामने आया तो क्या हुआ? क्योंकि प्रार्थना आपके विश्वास को बढ़ाती है। बोलो, प्रार्थना आपके विश्वास को बढ़ाती है। जब विश्वास कम होता है तो प्रार्थना जब हम करते हैं तो विश्वास बढ़ जाता है। बोलो क्या है? प्रार्थना करने से हमारा विश्वास बढ़ जाता है। इसलिए प्रार्थना का विश्वास के साथ ये बहुत मेन संबंध है। बोलो क्या है? क्योंकि जब हमारे अंदर उस चीज के लिए विश्वास नहीं आता, जब आप प्रार्थना करते हो तो आपके अंदर का विश्वास बढ़ जाता है। बोलो क्या है? इसलिए दानियल 3 टाइम जाता था प्रार्थना करने के लिए। बोलो क्या है? तो उसके अंदर का जो विश्वास था, जब शेर उसके सामने थे तब भी उसके अंदर जरा सा भी डर नहीं था। हाँ, शेर उसके सामने, हाँ तो कुत्ते को ओ करे तो गज, हाँ कुत्ते से भी क्या हो जाते हैं। समझ आ रही है? क्योंकि प्रार्थना से हमारा विश्वास बढ़ता है। जितना आप प्रार्थना करोगे उतना ही आपका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि परमेश्वर सारे काम किससे करता है? विश्वास से करता है। यीशु मसीह के पास जब अंधे आए तो उसने ये नहीं कहा प्रार्थना कर, उसने कहा तुझे विश्वास है मैं तुझे चंगा कर सकता हूं। उसने ऐसा नहीं कहा अंधे को प्रार्थना कर जाकर तू चंगा हो जाएगा। उसने कहा तुझे विश्वास है मैं चंगा कर सकता हूं, ऐसे कहा ना। ऐसा तो नहीं कहा तू प्रार्थना कर जाकर, क्योंकि परमेश्वर सारे काम किससे करता है? विश्वास से करता है। इसलिए उसने अंधे को तुझे विश्वास है मैं तुझे चंगा कर सकता। तो उसने कहा यस, अब कर सकते हो। हाँ, कोड़ी ने आके प्रणाम किया, प्रभु तू चाहे तो मुझे क्या कर शुद्ध कर सकता है। उसने क्या कहा? मैं चाहता हूं तू क्या हो जा। उसने कोड़ी को ये नहीं कहा जाके प्रार्थना कर। बोलो क्या कर? उसने कहा जा, मैं भी चाहता हूं कि तू क्या हो जा, शुद्ध हो जा। वो खुदावंद सारे काम तो विश्वास से करता है, पर जो प्रार्थना है हमारे विश्वास को बढ़ाती है। बोलो किस चीज को बढ़ाती है? क्योंकि जब तक आपके अंदर वो विश्वास आएगा नहीं, जैसे मान लो किसी के रसौली है, पत्थरी है, कोई कैसी भी प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर वो फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो काम नहीं होगा तब तक वो काम। और जितना वो उस चीज में बढ़ता जाएगा उसके अंदर का फेथ का लेवल, जैसे यीशु मसीह के जो विश्वास का लेवल था वो बराबर था। मेरा माइक पकड़ो, मैं आपको बताता हूं। यीशु मसीह के अंदर के विश्वास का जो लेवल था, ऐसे मान लो ये उसका आत्मिक विश्वास है और ये शारीरिक विश्वास है। दो विश्वास होते हैं हमारे, एक आत्मिक और एक शारीरिक। मान लो मेरे जो दाहिना मेरा सज्जा हाथ है, ये आत्मिक और खब्बा शारीरिक है। यीशु मसीह का शारीरिक और आत्मिक जो विश्वास था दोनों का लेवल बराबर था, क्योंकि उसके अंदर कभी भी क्या नहीं आती थी। समझ आ रही? पर हमारा जो आत्मिक विश्वास है वो परिपूर्ण है, पर जो शारीरिक विश्वास है वो हमेशा ही ऐसे होता रहता है। कैसे होता रहता है? जब ज्यादा हालात हमें सब मेरी और देखो, जब ज्यादा हालात, जब हमारा मन हमें दोष देता है तो हमारा शरीर का जो श्वास है वो यहां पे आ जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो धीरे धीरे वो श्वास का लेवल ऊपर आता है। क्या करते हैं? जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमारा धीरे 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 श्वास का लेवल ऊपर आता है, आता जाता है। उसके जब आत्मिक श्वास के वो बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। और जब दोनों श्वास बराबर होते हैं और टच करते हैं तो फिर बड़े काम प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? फिर बड़े काम प्रकट होते हैं, बड़े, छोटे मोटे नहीं। फिर अंधा देखता है, लंगड़ा चलता है, गूंगा बोलता है और बहरा, हालेलुया। ये सब काम किससे होंगे? इसी विषय से, इसी प्रार्थना के विषय के संबंध के साथ जब आप करोगे। कितनों को समझ आई आज? हाँ, इसीलिए लोगों के काम प्रकट क्यों नहीं होते? विश्वास तो करते हैं पर वो वाला विश्वास उनके अंदर बन नहीं पाता। इसलिए जो प्रार्थना है आपके विश्वास को बढ़ाती है,
आपके मन की परिस्थितियों को, हालातों को बदलती, क्या करती है। जैसे मान लो ये लड़का है, अब मान लो खड़ा हो, ये हर बार आता है और जब मैं प्रार्थना करता हूं रिसीव भी करता है, अगर ये तो उस शांत से कर रहा है तो ये पूरी रीति से हील हो जाएगा। अभी देखो इसके अंग, जब ये आया था तब बहुत ज्यादा था, क्यों बताओ, माइक दो, पहले कितने थे? पहला हाथ थे लगा रहे नंदाई, पहले हाथ यहीं पे लगा रहता था। हाँ जी, इससे यहां से हटता नहीं था। हाँ जी, अपने आप यहीं पे लगा रहता है। हाँ, अब कहां तक जाता है? माइक पे शिकन, ये देखो, हालेलुया, क्योंकि जैसे जैसे इसका विश्वास बढ़ रहा है, बोलो क्या है, जैसे जैसे ये रिसीव कर रहा है इसका विश्वास, पहले यहीं पर हाथ रहता था इसका, कैसे रहता था, यहीं पर हाथ लगा रहता, यहां से यहां तक नहीं होता था, अब इसका हाथ ऊपर जा रहा है। अब जो इसकी बाकी चीज है, इसके लिए इसने अपने उस सांस को उस प्रार्थना के जरिए बढ़ाना है, आज से बढ़ाना तूने, ठीक है, जितनी तू प्रार्थना करेगा तेरे अंदर का विश्वास बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है? यस। और जब अंदर का विश्वास बढ़ जाता है फिर बड़े काम प्रकट होते हैं। पर शैतान लोगों को इस चीज में बहुत दबा के रखता है, रखता है कि नहीं है, लोग 10 मिनट तो बासी आने लगती है, हाँ 10 मिनट बैठे तो बासी आने लगती है, आने लगती है कि नहीं है, कईयों का दिल ही नहीं करता, मन नहीं करता, इसलिए दाऊद कहता अपने मन को, हे मेरे मन चुप, अपने मन को शांत कराओ, उसको आदत डालो कि तुझे करनी पड़ेगी, बोलो क्या करो, अपने मन को आदत उसको डालो, जैसे रोटी पेट क्या कहता है, हाँ जी 7 बजे खाने वाले, 8 बजे बोलो 9 बजे लेके आओ जी शेती, कुछ लोग 7 बजे भी सुबह का नाश्ता करते हैं, 8 बजे भी करते हैं, 9 बजे वाले भी हैं, पर अपने टाइम के हिसाब से, पेट कहता जल्दी लेकर आओ, कहता है कि नहीं कहता, नहीं कहता, जल्दी लेकर आओ जल्दी, पेट मांगता है, हाँ दोपहर होगी लेकर आओ जल्दी, शाम होगी रात होगी लेकर आओ। जब आप स्पिरिट को, अपने अंदर के आत्मा को आदत डाल लोगे, क्या डाल लोगे, मैं सच्ची कहता हूं, मेरी पत्नी को पूछो, मैं कल देर रात प्रार्थना करता रहा, सुबह में कर रहा है, ये मुझे कहते रात की तो है प्रार्थना अपनी, मैंने कहा पता नहीं क्या है, मैं लालच करता हूं, क्या करता हूं, मैं लालच करता हूं उस चीज का कि और करूं और करूं और करूं, ताकि जब आपको मिलूं तो कोई आत्मिक चीज दो। आमीन। अगर आप भी सेम इसी रीति से करोगे, देखना फिर क्या होगा। और मेरा विश्वास है कि यह मंडली बढ़े, बोलो क्या करें, यह मंडली बढ़े, जैसे रोम की कलीसिया की चर्चा लिखा सारे जगत में हो रही थी, मेरा शांस है इस मंडली की चर्चा पृथ्वी की शोर तक हो, लोगों को पता चले कि यहां पे भी किसके लोग हैं आपके जीवन से। हाँ, पर जो बेचारा 11-12 बजे आ रहा है, उसके जीवन से कैसे वो प्रकट होगा, उसकी प्रार्थना कैसे सुनेगा। इसलिए बाइबल कहती सिद्ध बनो, सुनो सुनो, कोई बात नहीं सुनो, क्या कहती है, सिद्ध बनो, ठीक है बैठ जाओ, जो 11-12 बजे आ रहा है उसकी प्रार्थना परमेश्वर कैसे सुनेगा, बोलो क्या है, जो 11-12 बजे आ रहा है उसकी प्रार्थना परमेश्वर कैसे सुनेगा, उसे बाइबल कहती सिद्ध होने का जतन कर, बोलो क्या कर, सिद्ध होने का जतन कर, जब आप जतन करोगे, क्या करोगे, जब आप जतन करोगे उन चीजों को करने का, हाँ शरीर आत्मा के, और आत्मा लिखा शरीर के विरोध में, और वो कभी नहीं चाहता कि आप, शरीर कभी नहीं चाहेगा कि आप किसके आगे प्रार्थना करो, पर जब आप करोगे फिर बड़ी महिमा को, बड़े कामों को देखोगे। देखना चाहते हो, देखना चाहते हो तो आज से शुरू हो जाओ।